करने वाले हैं. लेट्स वेलकम हिम विद ओपन आर्म्स. जी हाँ, प्लीज वेलकम NKD यानी कि नकली कपिल देव. अभी बाद में, अभी हो गया. नहीं नहीं, ऑटोग्राफ नहीं, पेन मेरा. कैसे हैं आप? हेलो हेलो नकली कपिल देव जी. ये सर, ये कैमरा टू शॉट बनता है यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ पर दोनों का. ये देखिए, रूबरू एक जैसे लग रहे हैं. आपको लग रहा है पीछे में देख रहे हो. पर आज तो ओरिजिनल यहाँ पर बैठे हैं. आपको लगता है कि आज आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था? इससे फोटो लेके ऑटोग्राफ ले सकता हूँ. सब कर सकते हैं सर आप यहाँ पर. पर आप कैसे आ गए यहाँ पर? देखो समीर, मैं उस तरीके से आया हूँ. ऑन पेपर अगर बात करें ऑन पेपर तो मैं शो इज ओवर. फिर यार ऑन पेपर अगर बात करें तो मैं गाड़ी से आया हूँ. अच्छा. लेकिन अगर रियलिटी में बात करें तो मैं पैदल चल के आया हूँ. क्या है कि आजकल अगर सड़कों पे यंग ड्राइवर्स उतर आए हैं, उनकी वजह से बड़ा ट्रैफिक हो जाता है. वो चलते हैं तो लगता है कि चल नहीं रहे हैं, उड़ रहे हैं. यू नो, सड़कों पे स्ट्रेट ड्राइव करते हैं. जो एक एक्सपीरियंस ड्राइवर होता है, अगर आप उनको देखें तो उनका एक अलग अंदाज होता है. वो गैप निकाल लेते हैं रास्ते में. अब समीर, मैं इनकी बात करूं तो बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. और अगर आप बात करें, कल रात को क्या हुआ, बरसात की वजह से थोड़ी सी नमी आ गई थी सड़कों पे, और उस वजह से छोटे छोटे गड्ढों में थोड़ा थोड़ा पानी भर गया था. तो जब भी कोई गाड़ी उनके ऊपर से निकलती है तो वो पुचक करके आपके मुंह पे पानी आता है, और आपको फिर बचना पड़ता है. यू नो, यू हैव टू सेव गाड़ी ऑफ सेल्फ. पैदल आए और गाड़ियों की बात क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, पैदल आया हूँ मैं. कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. छोटी छोटी कई एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं, चलने वाले होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, और यंग जो लोग होते हैं, कलाइयों का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है, उनको कट का पता होता है कि चौबे जी की यहाँ से निकलो, राइट साइड में सबवे से बाहर आ जाओगे. यू नो, ये इनका अलग अंदाज होता है. छोटी छोटी गलियों में ड्राइव करने का ये फायदा होता है, जब आप नेशनल हाईवे पे पहुँचते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाता है. अच्छा कपिल जी यहाँ बैठे हुए हैं. कपिल जी यहाँ बैठे हुए हैं. अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका बहुत फैन हूँ, तो मैं आपके लेग बाय छू सकता हूँ? देखो लेग बाय, लेग बाय. अय्या, आपके जूते बड़े अच्छे हैं. भगवान इनकी जोड़ी हमेशा बनाए रखे, कभी इनकी जोड़ी खराब ना हो. मुझे बहुत अच्छा लगा आपके जूते देख के. मैंने भी कोशिश की थी कि मैं भी ऐसे ही जूते लूं. दादर से मार्केट से मैंने जूते लिए, लेकिन मेरे जूते पहनने के बाद मुझे 14 इंजेक्शन लगवाने पड़े. यू सी, ऐसा क्यों? कुत्ते की तरह काटते हैं मेरे जूते. इनके आप यहाँ जूतों की बात करने आए, थोड़ी मैच की बात भी करते हैं. मुंबई और राजस्थान के बीच में मैच है, और इस पिच पे मतलब के जो है हर एक बॉलर पिटता है. तो स्पिनर्स का क्या हाल होगा? मुझे लगता है समीर, अगर स्पिनर्स की बात करें तो मेरी बात हरभजन सिंह से हुई थी. हरभजन सिंह से? या पर यार वो तो मुंबई में नहीं है अभी. तो आदमी बात भी नहीं कर सकता मुंबई वालों से.
कर तो सकता है, कर तो सकता है। वो मुंह पर दबा के बैठे हुए मुंबई वाले की हम बात नहीं करेंगे। आप मतलब भाई आपके मुंह से सामान निकल आएगा? कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नकली में चलता है। ओके फाइन, असली में ऐसा नहीं होता है। या अच्छा, अगर आपको बुरा ना लगे तो कपिल जी मैं आपसे 2,000 रुपए उधार ले सकता हूँ। एक मिनट, पैसे क्यों मांग रहे हैं आप? आ गया जी। पैसे मैं उधार के लिए नहीं मांग रहा, एक्चुअली इससे रिलेशनशिप मजबूत होते हैं। ये देखिए, आदमी जब आपसे पैसे मांग लेता है तो उसके बाद वो दूसरा सामने से कॉल करता है, इसकी वजह से रिलेशनशिप मजबूत होते हैं। वरना और सब जब कॉल करता भी है, आप देखिए जितने भी यंग लोग कॉल करते हैं, यू नो, अगर उनकी बात करें तो वो कॉल करते हुए सबसे पहले आपका हाल चाल पूछते हैं, उसके बाद पैसे। जितना ज़्यादा पैसा उतनी ज़्यादा रिलेशनशिप में मजबूती। आप फिर एक 2 लाख रुपए मांगो, 2,000 में क्या है? वो आप मांगते अच्छे लगते हैं, मैं 2-4 हज़ार ही मांगता हूँ। चलो भाई बैठ जाइए यार, बैठ जाइए यहाँ पर। लुक एट दिस, आराम से नकली कपड़े। ये कर क्या रहे हैं आप? हो क्या आपको? एक बहुत छोटी सी पसीने की बूंद आ गई है।